नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट्स सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आपने कभी ना कभी जरूर मन में सोचा होगा कि आखिर जो कार की रिमोट की है, इस तरीके की जो आती है जिससे कि आपका सेंट्रल लॉकिंग वाला फीचर कंट्रोल होता है, वो कितनी दूर तक, कितनी डिस्टेंस तक काम करता होगा। सो आप फिलहाल देख सकते हैं, एक काफ़ी लंबी चौड़ी रोड पर हूँ मैं, काफ़ी डिस्टेंस है यहाँ पर, खुला सा एरिया है, और ये है मेरी टाटा टियागो। वैसे आपने इंटरनेट पर वैसे काफ़ी सारी वीडियोस देख रखी होंगी इस बारे में, लेकिन अगर आपको टाटा टियागो की पर्टिकुलर कार की रेंज अगर जाननी है तो आप इस वाले वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। मैं पूरा आपको टेस्ट करके इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो फिलहाल मेरे पास क्या है, कुछ इस तरीके की मेरी कार की है, और ये है मेरी कार। हमारी पार्टी हो रही है, क्या करूँगा मैं कि अपनी मेरी बहन है, वो भी मेरे साइड में यहाँ पर बैठी हुई है, ये रही पीछे, उसके फ़ोन पर इस फ़ोन से कॉल करूँगा। और जो टाटा टियागो है, इसमें जो जब आप डोर लॉक कर देते हैं या अनलॉक करते हैं इस की से, तो बिल्कुल गाय की तरह एकदम आराम से बिना किसी आवाज़ के होती। तो कैसे पता लगाएंगे कि ये जो चाबी है ये काम कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके लिए हम एक डोर को खोल के रखेंगे और फिर जो कार की है, अगर डोर खुला रहता है तो उसके लिए वॉर्न करती है लॉक करते टाइम या अनलॉक करते टाइम, तो हमें पता लगता रहेगा उस हॉर्न की आवाज़ से कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हॉर्न की आवाज़ भी फ़ोन में आएगी, साथ ही साथ ये है साइड असिस्टेंट, उससे भी पूछते रहेंगे कि भाई कार की जो की है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। सो मेरे साथ फटाफट आप चलिए आगे और इसे हम छोड़ते हैं यहीं पे, ठीक है। सो दोस्तों, मैंने जो कॉल है वो इससे मिला ली है, ये रही कुछ चाबी, इस पे मैंने लॉक वाले बटन पर हाथ रखा हुआ है, एक हाथ से मैं जो कैमरा है उसे कंट्रोल कर रहा हूँ, और जैसे ही देखिए यहाँ पर मैं लॉक करने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरीके से ये गाड़ी हॉर्न करती है। अब हो सकता है ज़्यादा दूर तक हम चले जाएं और जो गाड़ी का हॉर्न है वो सुनाई ना दे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो कॉल है वो भी कनेक्ट करके रखी है। एक बार हेलो, देखो आवाज़ आ रही है ना, तो हम फटाफट से चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और मैं आपको पूरे टाइम पर बताता रहूँगा। बाकी डिस्टेंस तो सारी जो है अंदाजन ही है, एक्चुअली मैंने 3 बार इससे पहले शूट करके देख ली और डिस्टेंस नापने की हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन नहीं हो पा रहा है वो, तो हम अंदाजा नहीं इस वाले वीडियो में डिस्टेंस देखेंगे, लेकिन आपको समझ में तो आ ही जाएगा, एक मोटा मोटा अंदाज़ा इस वीडियो से लग ही जाएगा कि कितनी दूर तक गाड़ी की चाबी काम करती है। तो अभी आप डिस्टेंस देख सकते हैं कितनी हो चुकी है, और अभी मैं अगर गाड़ी को लॉक करता हूँ तो गाड़ी अभी काम कर रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो हम अभी फ़िलहाल तक अभी तक तो ये काम कर रही है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी भी ये काम कर रही है प्रॉपर, यहाँ पर आप ग्राउंड में देख सकते हैं काफ़ी लोग, संडे का दिन है आज तो फुर्सत से मस्त क्रिकेट विकेट खेल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना। और अब हम एक बार और थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और अब हम फिर से टेस्ट करते हैं, तो मैं ये बटन दबा रहा हूँ और यहाँ पर जो गाड़ी की चाबी है ये काम नहीं कर रही है। थोड़ा आगे पीछे हो, थोड़ा साइड में होके देख लेते हैं, बीच में पेड़ आ रहा है, हाँ तो देख सकते हैं आप, ये वाला जो पेड़ था, ये वाला, इसकी सीध में मैं जब था तो ये गाड़ी की चाबी काम नहीं कर रही थी, जैसे ही मैं साइड में आया चाबी काम करने लग गई। तो मतलब हाँ, इतनी दूर पे भी गाड़ी की चाबी जो है काम कर रही है। थोड़ा सा और हम आगे की तरफ चलते हैं, इसी सीध में चलेंगे। तो अब मैं अगर कोशिश करूँ तो ये गाड़ी की चाबी काम नहीं कर रही है, एकदम सीधी ये खड़ी हमारी गाड़ी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अरे कहाँ आ रही है यार, तुम सीधे तो हो, इतना ज़्यादा तेज़ आ रही हो। अच्छा यहाँ हो जाऊँ, हाँ तो अभी भी काम कर रही है, थोड़ा और पीछे चलते हैं, एकदम इसको भाई सीधी डिस्टेंस चाहिए लंबी दूरी पे काम करने के लिए, तो थोड़ा सा और अब फिर से करके देखते हैं। तो अब ये काम नहीं कर रही है, अब नहीं कर रही ना काम, नहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई आवाज़ नहीं आ रही। अभी तो मैं एकदम सीध में हूँ डिस्टेंस के, कोई बीच में ऑब्स्टेकल नहीं है। और जैसे एक चीज़ और मैंने नोटिस करी,
थोड़ा आगे की तरफ हम चलें। हाँ तो अब इसने काम करना यहाँ पे शुरू कर दिया है, और इस तरफ गाड़ी की तरफ जब इसका मुंह है, गाड़ी की तरफ इस की का अगर मुंह है तो ये हॉर्न मार रही है, लेकिन अगर मैं अपोजिट साइड में करने की कोशिश करता हूँ तब भी मार रही है। तो मतलब ठीक है, मुझे लगा कि अपोजिट साइड में शायद वर्क नहीं करेगी लेकिन यार यहाँ पे क्यों नहीं कर, यहाँ पे क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, थोड़ा बहुत साइड में होना पड़ता है, लेकिन जो डिस्टेंस है अप्रोक्स इस वाली मोटरसाइकिल से सीध में यहाँ पर आके और जो यहाँ पर कार है वो वर्क करने लग जाती है। तो वैसे तो काफ़ी लंबी दूरी है और मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास व्यक्ति इतनी दूर पार्क करने के बाद गाड़ी को लॉक करेगा। सो दोस्तों, आपने देखा होगा लगभग गाड़ी की चाबी ने 100 से 80 मीटर की रेंज में काम किया, और काफ़ी है यार इतना डिस्टेंस, मतलब कोई भी यूज़ नहीं करता होगा मेरे हिसाब से। तो बाकी कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैं इस वाले वीडियो को 2 बार और शूट कर चुका हूँ, और जो पोपट हुआ है वो हुआ है केवल डिस्टेंस को नापने के चक्कर में, वो नहीं हो पा रही। आप बताइए अगर कोई ऐप हो वैसा जिससे कि छोटी मोटी जो डिस्टेंस है 10, 20, 50 मीटर की अगर नाप सकें, तो एक बार फिर से हम एक्चुअल डिस्टेंस करके एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो नापने की कोशिश करेंगे फ़ोन की हेल्प से। और बाकी ये थी भाई गाड़ी की चाबी के ऊपर वीडियो की, इसकी रेंज कितनी रहती है। आपको आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कंटेंट आपको पसंद आता है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।